प्रथम बार शिक्षा संस्थान में है। मुझे गर्व इस बात का है, यहाँ हमें बेटियों के रूप में वीरांगना लक्ष्मी बाई, जलकारी बाई, ऊटा देवी पासी और हमारी अहिल्या बाई, इंदौर जिनकी नगरी है, आज मेरे सामने वीरांगना लक्ष्मी बाई सभी बेटियों के रूप में मैंने देखा उन्हें। मुझे गर्व इस बात का है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोगों में वो हुतात्माएं अशफाक उल्लाह खां शाहजहानपुर जलाल नगर, हमारे अब्दुल कलाम जी, हमारे वीर अब्दुल हमीद जी, हम सब संगठित होकर इस देश से काले अंग्रेजों का खात्मा करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए। मैं योगी बाबा को भी सदैव मिलकर यही बात कहता हूं, जो देश शहीदों के बलिदानों को भूल गया वो कभी भी स्कूल नहीं बन सकता। आज जो आपने सम्मान दिया है, आज जानकर आपको हर्ष होगा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा हूँ, उनके करीब रहा हूँ, बहुत करीब रहा हूँ बाल ठाकरे जी के साथ। मैंने बहुत 230 दिन देश देता हूँ। आज वही संगठन का वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भतीजे अमर सैद चंद्रशेखर आजाद आजाद निवास लखनऊ से जा करके हमारे राष्ट्रपति नौजवान हमारे वाजपेयी जी हमारे निवास से हमको लेकर के आए। ये कितनी बड़ी बात है कि देश बदल रहा है। अब असलहों का बाजार गर्म नहीं होगा, अब जो गलत काम करेगा उसके साथ गलत होगा। आप सही हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे। आजादी जिए हैं तो आजाद ही मरेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम किसी राजनीति में नहीं आएंगे, ये मेरा संकल्प है। देश के लिए मेरे गोलियां भी लगी हैं। 4 जून 5 जून की घटना मुझे याद आ गई तो थोड़ा सा बताना उचित समझूंगा। रामदेव को सोते हुए सत्याग्रहियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा हमला कराया गया 1:40 में। वहां पर रामदेव को बचाया, उसमें गोलियां लगी, बहुत बड़ा काम हुआ, बच गई जान। आपके सामने हूं क्योंकि सत्य को मालिक बचाता है और सत्य छुपता नहीं है। मैं केजरीवाल जी के साथ भी बैठता हूं, मैं सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठता हूं, लेकिन मेरे ऊपर रंग किसी का नहीं करता। सत्य अगर गलत है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोल देता, सीधे सीधे बोलेंगे। योगी जी गलत बोलेंगे तो उनके भी सिर बोलूंगा। कोई भी अगर सच्चा इंसान है, सत्य काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ करिए और उसके शब्दों को ऊर्जा प्रदान करिए और उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर चले रहिए। और कभी भी जब व्यक्ति परेशान हो, हर तरह से परेशान हो, उस समय उसके साथ खड़ा, जो आपके साथ खड़ा मिले वो आपका अपना है, वरना आपका कोई नहीं। सही बात। हम लखनऊ से यहाँ आए और कितने दिनों से कितने कार्यक्रम मैंने निरस्त किए हैं। अभी भी मेरा बेटा दिल्ली में है, अमित आजाद, 151 फीट की प्रतिमा। क्या आप लोग सोचिएगा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने आजाद जी के लिए 300 एकड़ जमीन, 300 करोड़ रुपए की जमीन, माफ करिए गलती हो गई, चुंगी पे ममता गैस के पास दी। विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद की, उसका शिलान्यास भूमि पूजन 24 जुलाई को हो चुका। और इससे बड़ी क्या चीज होगी जो हम देख रहे हैं। आज हर्ष फायरिंग बंद है, भारत से गुंडाराज समाप्त हो गया है और जो कुछ बचा है उसको समाप्त किया जाएगा। हम सब संगठित होकर करें और कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो देश के काम आए
वो इंसान होता है। माँ भवानी की जय, या जरूरत पड़ी तो कभी हमें अजमा के देखिएगा। बहुत छोटा सा सेवक हूँ समाज का, और कई अफल रहे, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आजाद परिवार राजनीति में नहीं आएगा, ये संकल्प है हमारा। और साथ ही मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए और अपने कलाम फाउंडेशन के समस्त टीम को जो दिख रही है, जो जा चुके हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और योगी बाबा से मेरा यही कहना है, कलाम फाउंडेशन को मैं बधाई दे रहा हूँ तो आप क्यों नहीं दे? देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा, माननीय प्रधान सेवक जी को भी देना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, मैं भगत सिंह ब्रिगेड फरीदाबाद, उनका पोता चलाता है यादविंदर, सारे शहीदों के वंशजों का पत्नी मैं हूँ। मंगल पांडे बलिया नगवा, रघुनाथ पांडे उनके वंशज जीवित हैं दिल्ली में। आज बड़े गर्व का विषय है कि कलाम फाउंडेशन ने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया। ये एक बहराई छोटे से कस्बे में किया, यही कहीं दिल्ली में होता पूरे भारत में ही नहीं विश्व में जाकर। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ मैं कोई छुपा कर काम नहीं करता हूँ, मुझे करना होगा तो मैं कर दिखाऊंगा। मेरी बच्चियों को वीरांगना लक्ष्मी बाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सार्थक करते हुए मैं चरण वंदन करता हूँ। आप कभी भी किसी मंच पर कोई बेटी मेरे पैर नहीं। आज मैं फिर कह रहा हूँ, हर जगह कहता हूँ फिर भी मानती हूँ, अरे भाई आपके द्वारा हम हैं, आप मेरी माँ हो, वंदे मातरम बोलते हैं तो वंदे मातरम का कर्तव्य निभाना है। हम बिस्मिल जी की पंक्ति याद आ गई है, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 19 दिसंबर को गोरखपुर में उनको शहीदी हुई थी, उनकी हमें याद आ गई। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दौर कितना बाजुओं का टीम में। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ आजाद निवास से हमारे राजकुमार वाजपेयी जी, जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत बड़ा काम कर देते हैं, इनका कहना मैं नहीं टाल सकता, मैंने कई दिल्ली कार्यक्रम रद्द कर दिए। आप सभी को बधाई देते हुए मैं एक बार इतना कहूंगा, कभी किसी खुशी में शरीक ना होना, सभी के गम को बांट के रखना, और संकल्प लो कि हम सब आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस पे खड़े हैं, उनके बताए मार्गों पर जाएं। ये देश हमारा है, हम सब का है, हम सब भारतवासी हैं। 135 करोड़ जनता हमारी बारिश है। अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, विकास ऐसा जो दिखाई दे, भारत की 135 करोड़ जनता को बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका आशीर्वाद मिला, हम कृतज्ञ हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसी बीच में